अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल पुलाव, और इसे बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है बिरयानी मसाला, आप कोई भी ले सकते हैं। उसी के साथ 2 टेबल स्पून मैंने लिए है ब्राउन प्याज, 3 कलर की मैंने लिए पेपरिका, और 1 अदद मैंने लिए गाजर, हाफ मैंने लिया लेमन, और बंद गोभी, पत्ता गोभी ली है मैंने, बंद गोभी भी कहते हैं, ये हाफ कप ली है। 1 बड़े साइज के टमाटर का मैंने पेस्ट बना ली। चावल मैंने लिए 1 कप, पानी लिया है मैंने 2 कप, ये वाले डालूंगी मैं, ये जो मैंने ग्लास छोटा वाला लिया है, जितना मैंने चावल लिए इसी के डबल में पानी ऐड करूंगी, और कुकिंग ऑयल चाहिए 4 टेबल स्पून। तो चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं, और मैं जो हूँ माइक्रोवेव ओवन में बना रही हूँ, इसीलिए मैं ये वाला बर्तन लिया है मैंने, थोड़ा खुला हो बड़ा हो, आपका जो भी ओवन वगैरह में पूरा आँच रहे आपको लगे, आप वो बर्तन लें। अगर आपके पास गोल बर्तन है बड़ा तो और अच्छी बात है। सबसे पहले मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालूंगी, इसी के साथ अब मैं इसमें सबसे पहले जो है पानी डाल देती हूँ। इसी के साथ अब मैं इसमें बाकी की चीजें भी डाल दूंगी, जो प्याज है, टमाटर का पेस्ट, और इसी के साथ बिरयानी मसाला, और साथ में जो सब्जियां ली हैं वो भी डाल दूंगी मैं। आपको अगर सब्जियां कम पसंद है तो आप कम डालें, अगर ज्यादा पसंद है तो आप भले ज्यादा डालें, लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान में रखिएगा कि मैंने सब्जियां और चावल एक साथ डालने, तो इसीलिए देखें मैंने कितनी बारीक बारीक जो है ये सब्जियां काटी हैं। आप ज्यादा बड़ी बड़ी ना काटें। अगर आपने एक साथ नहीं डालना, बड़ी सब्जियां थोड़ी काटनी है, तो आप उसके लिए फिर ये कि इनको थोड़ा सा पका लें, हाफ कुक जब हो जाए सब्जियां, उसी के साथ फिर जो है आप चावल डाल दें। अब इसी में लेमन जाएगा, इसे मिक्स करेंगे। और इसी में मैं चावल भी ऐड कर दूंगी। अब इसे मिक्स करते हैं। आपने पानी ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि अगर आप पानी ज्यादा डाल देंगे तो ये चावल जो है वो खिले खिले से अच्छे नहीं बनेंगे। मैंने इसीलिए कम डाले, और चावल सिर्फ मैंने धो के ही डाले, वो इसलिए क्योंकि जब तक ओवन के अंदर ये सारी चीजें गर्म होंगी तब तक चावल वैसे भीग जाएंगे, और पानी डबल डाला है इसलिए क्योंकि सब्जियां भी हैं इसमें, सब्जियां भी अच्छे से बन जाएं ताकि। तो चले इसे आप ओवन में रखते हैं। तो देखिए मेरे पास जो ओवन है ये है 800 वॉट का, और मैं इसमें कोई भी जो है एक्स्ट्रा बटन इनमें से प्रेस नहीं करूंगी इसे बनाने के लिए। सिंपल ही ये देखें जो हीट, किसी भी चीज़ को हम गर्म करने के लिए नॉर्मली जो यूज़ करते हैं उसी को ही मैं यहाँ पे प्रेस करूंगी, और मैं टाइम सेलेक्ट करूंगी और स्टार्ट कर दूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। और दूसरी बात, मेरा बर्तन जो है वो थोड़ा चौड़ा है तो वो इसमें घूमेगा नहीं, मैंने इसकी प्लेट और चीज़ें हटा दी हैं। जब आपको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बनानी हो इसमें, तो आप इसके जो प्लेट वगैरह है और रिंग है जो वो निकाल दिया करें। और देखिए मैंने ये वाली प्लेट ली है, ये थोड़ी मोटी है, अच्छी है, तो इसे मैं यहाँ इसके ऊपर रख दूंगी। इसे रखने के बाद अब मैं इसके अंदर जो है जिस बर्तन में मैंने राइस बनाने हैं वो रखूंगी। देखें ये बर्तन है तो ये इस तरीके से पूरा नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने इसको इसके ऊपर रख दिए। अब ये आराम से इसमें बन जाएगा।
आपके पास अगर गोल बर्तन है तो वो ज्यादा अच्छा है, आप वो रख लें, उसमें ये है कि घूमते भी रहेंगे और पकते भी रहेंगे। तो मैंने इसे अंदर रख के बंद कर दिया है इसका ढक्कन, और उसी के साथ जो है मैं अब इसे प्रेस करूंगी। देखें ये वाला टाइम सिंपल गर्म करने वाला है जो है, इसे मैं प्रेस करूंगी और 10 मिनट 20 मिनट तो वैसे ही मुझे चाहिए इसके लिए। तो मैं डबल क्लिक कर दिया मैंने, क्योंकि सब्जियां भी हैं और चावल भी हैं तो उन्हें बनने में 1 कप चावल को बनने में 20 मिनट लग जाएंगे। अगर आप सिंपल व्हाइट राइस बनाते हैं तो उसे बनने में 1 कप को आराम से जो है 15 मिनट तक लग जाते हैं। तो अब मैं इसे स्टार्ट कर देती हूँ। अब फिर भी अगर तसल्ली ना हो तो बीच में एक बार जरूर चेक कर लें कि आया आपके चावलों की क्या पोजीशन है। जब तक ये बनते हैं फिर मिलते हैं। चावल जो है वो बन के रेडी हो गए हैं और मैं साथ में आपको बताती चलूं कि इन्हें बनाने के लिए जो टाइम लगा है वो तकरीबन लगा है 23 से 24 मिनट। तो अब इसे निकालते हैं बाहर। बाहर निकाल लिया, ये बन के रेडी हो गए हैं और मैंने इन्हें बीच में एक दफा जो है चम्मच हिला दिया था हल्का सा बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। और ये इन्हें बनने में टोटल जो है वो 23 मिनट लगे। और आप जो इस तरीके से बना सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह, तो इसे चम्मच हिलाते हैं थोड़ा सा हल्के हाथों। थोड़ा सा इन्हें रखते हैं ताकि ये ठंडे हों, फिर डिश आउट करते हैं इन्हें। तो देखिए मज़ेदार सा जो वेजिटेबल पुलाव है, सब्जी का पुलाव है, वो रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है और बनाने का तरीका पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।